जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर रचना अपने आप में सबसे उत्तम और अद्भुत है। ईश्वर ने हर किसी को अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। सबके काम करने का तरीका अलग होता है और जीने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं जो भी है बहुत अच्छे हैं और उसी में खुश रहना चाहिए। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आज मैं क्या खाऊं क्या बनाऊं, क्योंकि घर के काम जो है ना वो बहुत ज्यादा फैले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम सत्तू खाते हैं, कि सत्तू जो है गर्मियों में खाना बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे पेट के लिए और हमारी बॉडी को भी ठंडा रखता है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पिसी हुई चीनी ली है, क्योंकि मैं ना मीठा सत्तू खाती हूँ और आप चाहें तो इसको नमकीन भी खा सकते हैं, लेकिन जरूर खाइएगा आप सच में गर्मियों में सत्तू को। तो यहाँ पर मैंने ठंडा पानी लिया है और चीनी उसमें घोल ली अच्छे से। पिसी हुई चीनी थी तो जल्दी घुल गई। उसके बाद मैंने ये सत्तू ले लिया और इसमें अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। ये सत्तू हमारा बन के तैयार हो गया है बस कुछ ही सेकेंड में, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें भुना हुआ जीरा मिला हुआ है। और इसको हमें गर्मियों में ज़रूर खाना चाहिए, हमारी बॉडी को ठंडा रखता है, हमारे पेट को भी ठीक रखता है, मतलब ठंडा रखता है। तो गर्मियों में सत्तू जरूर खाना चाहिए, मुझे तो बहुत पसंद है। करने वाली हूँ घर की साफ सफाई। सुबह आज मैं जल्दी उठी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना आज बाहर जाना था, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना था। तो फिर मैंने नहा लिया और एक बार बासी झाड़ू थी घर की वो मैंने लगा दी थी। दोबारा से हम घर की झाड़ू पोछा डस्टिंग करने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फुल वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। और अभी हम झाड़ू पोछा कर लेंगे, साफ सफाई कर लेंगे घर की, तो फिर पूरा दिन हमारा घर जो है बिल्कुल साफ रहेगा। तो सबसे पहले तो हम करने वाले हैं स्टार्टिंग डस्टिंग से। डस्टिंग होता है ना, आजकल तो धूल आंधी मिट्टी इतनी ज्यादा हो रही है ना कि क्या बताएं, बहुत ज्यादा आंधी आ रही है, धूल मिट्टी बहुत आ जाती है। तो डस्टिंग हम मुझे इधर भी डेली करना पड़ रहा है, तो हम कपड़ा उठा लेते हैं फटाफट से, लग जाते हैं डस्टिंग में। हमारे क्लीनिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारे घर में जितना भी सामान फैला हुआ है वहाँ से उठाकर वापस उनकी जगह पर रखना। पूरे घर को ठीक से पहले व्यवस्थित कर देना, उसके बाद करना डस्टिंग। डस्टिंग एक बहुत ही जरूरी स्टेप है क्लीनिंग में। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं अपना क्लीनर, मार्केट वाला हो या फिर घर वाला हो, जो भी बनाया है हमने घर में या फिर मार्केट वाला। मैंने ये मार्केट वाला लिया है। बस मैंने उठाया कपड़ा और उठाया क्लीनर और बस हमारे घर में जितने भी फर्नीचर हैं सबको पहले मैंने साफ कर लिया, जितनी भी धूल मिट्टी है सभी को मैंने हटा दिया। उसके बाद हम झाड़ू पोछा करेंगे जिससे कि जो भी गंदगी हो वो नीचे फ्लोर पर गिर जाएगी और फिर फ्लोर हमारा बाद में साफ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो हमें डस्टिंग करनी चाहिए अपने घर की। डस्टिंग करने से हमारा घर सच में एकदम साफ सुथरा लगने लगता है। और डस्टिंग एक ऐसा स्टेप होता है क्लीनिंग में जो कि हमें डेली इसको फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा फर्नीचर या फिर हमारे घर की और भी चीज़ें अगर हमको साफ़ नहीं करेंगे तो वो उन पर एक मोटी लेयर बन जाएगी धूल की, जो फिर बाद में साफ़ करने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, है ना। इसलिए हमें डेली डस्टिंग अपने घर की करनी ही चाहिए। अब हम कर लेते हैं अपने दूसरे रूम के बेड को क्लीन। पहले वाले रूम को मैंने बेड को पहले ही क्लीन कर दिया था। यहाँ पर भी मैंने अपने बेड को पूरा साफ कर दिया है, जितना भी एक्स्ट्रा सामान था मैंने सारा हटा दिया है, उसको उनकी जगह पर रख दिया है। यहाँ की जो विंडो है इसको मैं डेली साफ करती हूँ क्योंकि डेली कूलर भी चलता है तो इसको हमें डेली साफ करना होता है। यहाँ पर कुछ क्लेचर्स मैंने लगा रखे हैं क्योंकि जो कर्टन लगी है जब कूलर चलता है तो बहुत उड़ती है, इसलिए मैंने क्लेचर लगा रखे हैं। तो इस पर्दों को मैं टक कर देती हूँ तो आसानी से हवा आती जाती रहती है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं फटाफट से किचन का प्लेटफॉर्म गैस को भी पूरा साफ कर देती हूँ। एक बार मैं साफ कर चुकी थी लेकिन दोबारा से मैं इसको पूरा साफ कर देती हूँ जिससे कि अब पूरा दिन जो है वो मेरी किचन साफ सुथरी बनी रहेगी। अब बारी आती है हमारे सिंक में जितने भी बर्तन हैं उनको साफ करने की। फटाफट से मैं सारे बर्तन भी हटा दूंगी साफ करके, क्योंकि बाद में अगर हम झाड़ू पोछा करने के बाद बर्तन को धुलेंगे तो पानी गिरेगा नीचे फ्लोर पर, फिर से फ्लोर हमारा गंदा रहेगा और एक बार साफ सफाई होने के बाद दोबारा वो काम नहीं होता है ना। इसलिए मैं बर्तन को पहले हटा देती हूँ उसके बाद फ्लोर को क्लीन करती हूँ। तो अभी हम फटाफट से बर्तन को हटा देते हैं, सिंक एरिया को पूरा क्लीन कर देते हैं। और अब बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की, जो कि क्लीनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है।
है ना। तो झाड़ू लगाने के बाद ही हमें पता चलता है कि हाँ, हमारा घर सच में अब साफ सुथरा हो गया है। सबसे पहले तो उठकर मैं एक बार झाड़ू, सुबह बासी झाड़ू मैं लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमें अपने घर में सुबह बासी झाड़ू जरूर लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है ना। इसलिए उठकर सबसे पहले एक बार मैं झाड़ू पूरी लगा देती हूँ, और यहाँ पर दोबारा से मैं कर रही हूँ, जिससे कि हमारा घर जो है पूरे दिन पे साफ सुथरा बना रहेगा, और फिर हमें दोबारा झाड़ू या पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, पूरे घर में मैं झाड़ू को लगा लेती हूँ। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर एक बार हमारी आईडी पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। और जो ये हमारी बालकनी है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसको मैं हमेशा साफ रखती हूँ। मैं सोच रही हूँ कुछ प्लांट्स भी हम लेकर आते हैं, अपनी बालकनी में लगाते हैं, बट फिर से यही हो जाएगा, हम शिफ्टिंग करेंगे तो फिर से हमें प्रॉब्लम्स होगी कि हमें एक जगह से दूसरा सामान ले जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पहले हमारे यहाँ प्लांट्स थे लखनऊ में, बट हम उनको लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि उन लोगों ने मना कर दिया था कि आपके प्लांट्स टूट सकते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए रेंटेड हाउस में हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, अपने मन को भी मारना पड़ता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं अपनी बालकनी में कुछ प्लांट्स को लगाऊं, क्योंकि मैं अक्सर बालकनी में शाम को बैठती हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मूड फ्रेश होता है। बाहर की चीज़ों को देखते हैं हम और बाहर की थोड़ी सी हवा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मैं कुछ एक दो प्लांट्स तो मैं लेकर ही आऊँगी और अपनी बालकनी में ज़रूर लगाऊँगी, क्योंकि हमारे घर में प्लांट्स होते हैं ना तो सच में पॉजिटिव वाइब्स आती है, बड़ा अच्छा लगता है, है ना। तो देखिए, बातों बातों में हमारी झाड़ू पोछा भी हमारा हो गया है, तो बाहर भी हम पूरा पोछा लगा देते हैं, और इससे हमारा फिर पूरा दिन जो है बिल्कुल घर साफ सुथरा बना रहता है। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि पोछा लगाते लगाते ही तुरंत सूख जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो कर्टन मैंने खोल दिया था उसको मैं डाल देती हूँ, और मैंने अपनी विंडो पर चादर इसलिए लगा रखा है क्योंकि कूलर चलता है तो उसकी जो हवा होती है वो बाहर जाती है। इसलिए मैंने कोई भी, मेरे पास थर्माकोल या फिर कार्टून वगैरह नहीं था, इसलिए मैंने चादर लगा दिया, जिससे कि बाहर के लोग भी अंदर नहीं देख पाएंगे, और हवा भी बाहर की अंदर की हवा बाहर भी नहीं जा पाएगी, इसलिए मैंने चादर को लगा रखा। और हाँ, आप लोग ये मत बोलना कि मैं स्लीपर पहने हूँ घर में, तो ये मेरे घर वाले स्लीपर हैं, इसलिए मैं इसको पहन कर रखती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों के तलवे में बहुत दर्द होता है, इसलिए ये मैंने घर वाली ही स्लीपर है, इनको मैं बाहर नहीं पहनती हूँ, और बहुत ही सॉफ्ट स्लीपर है, इनको मैं घर में ही पहनती हूँ, और नहीं पहनते हैं जिस दिन उस दिन मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। तो आप लोग प्लीज़ ये कमेंट तो बिल्कुल मत करिएगा कि आप घर में स्लीपर पहन के रहते, तो हाँ भाई मैं रहती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है तो रहती हूँ मैं। अब बारी आ जाती है कपड़े धोने की, क्योंकि कपड़े धोने का काम भी ना बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कपड़ा अगर हमारे घर में फैला है, हमारे बाथरूम में फैला है, तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगेगा। और डेली का हमारा जो भी कपड़ा निकलता है उसको मैं हाथ से ही धुलती हूँ, डेली वॉशिंग मशीन मैं नहीं लगाती हूँ। एक तो हमारे यहाँ इतना स्पेस नहीं है, दूसरा मुझे बहुत ही ज़्यादा झंझट भी लगता है रोज़ वॉशिंग मशीन लगाने, इसलिए मैं डेली के डेली हाथों से कपड़े धुल देती हूँ, जिससे हमारे कपड़े इकट्ठे भी नहीं होते हैं और हमारे घर में कपड़े फैले भी नहीं रहते हैं। तो उसको करने के बाद मैं बाथरूम को भी डेली साफ करती हूँ। सारे काम होने के बाद ये मेरा रूटीन रहता है कि बाथरूम को भी हमें क्लीन करना है अपने घर की जैसे, क्योंकि वो भी हमारे घर में है, तो वो भी एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है क्लीनिंग का, अपने बाथरूम को क्लीन करना। और आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं ना कि क्या बताएं, बच्चों की डिमांड बनी रहती है, मम्मा आज ठंडा खाना है, मम्मा आज कुछ ठंडा बना दो, बहुत ही गर्मी लग रही है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज कस्टर्ड बनाया जाए। मेरे पास रखा था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर, मैंने दूध में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला और घोल लिया इसको, ठंडे दूध में ही हमें इसको घोलना है। यहाँ पर मैंने फ्रिज से दूध निकाला, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। दूध जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चीनी, जैसा आपको कम ज़्यादा मीठा खाना हो। चीनी डालने के बाद इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे, पहले दूध को अच्छे से थोड़ा सा, उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था, जो हमने घोल बनाया था कस्टर्ड पाउडर और दूध का,
इसमें हम डालेंगे और चलाते रहेंगे। देखते ही देखते जो ये घोल है ना एकदम गाढ़ा हो जाएगा। कस्टर्ड पाउडर डालते ही ये थोड़ी देर में ना गाढ़ा हो जाएगा। बस अच्छे से हम इसको उबाल लेंगे और उसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे। कस्टर्ड बनाना बहुत ही आसान है, बच्चे बच्चे इस कस्टर्ड को बना सकते हैं। बहुत सारे फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर मार्केट में आते हैं और वैसे मैं वनीला का भी लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार स्ट्रॉबेरी आ गया तो फिर मैंने कहा चलो स्ट्रॉबेरी ही बना लेते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद इसको फ्रिज में डाल देते हैं। मैंने फ्रिज में रख दिया कस्टर्ड को, जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हमारे पास जितने भी फ्रूट्स हैं वो हम उनको हम छोटा छोटा काट लेते हैं। मेरे पास ज़्यादा फ्रूट्स नहीं थे, मेरे पास सिर्फ मैंगो और बनाना था, और इसमें ना अनार जो होता है वो सबसे अच्छा लगता है। इधर बीच में मार्केट भी नहीं गई तो मैं अनार लेकर नहीं आ पाई, लेकिन मैंने कहा चलो बच्चे का मन है, जो भी फ्रूट्स है हमारे पास तो हम उसी से बनाकर उसको खिला लेंगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में हम मैंगो को कट करेंगे और बनाना को कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, और बस इनको भी हम काट के ना अलग रख लेंगे। और वैसे इसमें आप अंगूर भी डाल सकते हैं छोटे छोटे पीस करके, सबसे ज़्यादा इसमें अनार और आम अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम बनाना का भी छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। अब हम निकाल लेते हैं फ्रिज से जो कस्टर्ड मैंने बना के रखा था। देखिए एकदम ठंडा हो गया, ये फ्रिज में मैंने रख दिया था, और थोड़ा सा आप इसको फ्रिज गाढ़ा ही रखिएगा क्योंकि जब हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे तो ये थोड़ा पतला हो जाता है। तो देखिए अब मैंने इस तरह से हम अपने बेटे को देते हैं सजा के, तो वो बड़ा खुश हो जाता है खाकर। सच में बच्चों को होता है ना, कोई चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करती है तो उनको खाने में मज़ा आता है और वो चीज़ ज़्यादा भी खा लेते हैं। तो यही रहता है मेरा, मैंने एक छोटे से इसमें ग्लास में कस्टर्ड को अच्छे से सजा दिया है, और चलो एक बाउल में भी सजा लेते हैं ना, जो देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कटोरी में मैंने कस्टर्ड को निकाल दिया है, ऊपर से हम डाल देंगे फ्रूट्स, और मेरे पास थी टूटी फ्रूटी, उससे मैंने ना इसको सजा दिया, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। सच में इतना सुंदर लग रहा है ना देखने में कि क्या बताएं, क्योंकि टूटी फ्रूटी होती है ना कलरफुल हो जाती है, जो किसी भी चीज़ में अगर हम इसको डालते हैं तो देखने में बड़ी अच्छी लगती है। तो ये हमारा सिर्फ 2 मिनट में बनने वाला कस्टर्ड तैयार हो गया है, और ये ठंडा ठंडा ही हम खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसको फ्रिज में रखने के बाद आप खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, खास तौर से गर्मियों की तो ये परफेक्ट रेसिपी है। सच में जल्दी बन के भी तैयार हो जाती है। कोई गेस्ट आ जाते हैं अगर हमारे घर में तो उनको बनाकर खिलाइए, पहले से बना के रख लीजिए और बस उनको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। तो ये है हमारा कस्टर्ड जो कि मैंने बहुत ही जल्दी बना लिया, और आप लोग कस्टर्ड को कैसे बनाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे। कस्टर्ड बहुत अच्छा बना, अभी से पूछ रहा हूँ, अभी का रिएक्शन देखो।